हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.6 जो कि डिपेंड करती है आईलेट रूल के ऊपर। ये रूल बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बाय पार्ट्स। अभी तक हमने देख लिया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, बाय स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो ये जो एक्सरसाइज है, इट इज बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स कब लगाएंगे वो अभी हमें दिखाई देगा। बाय पार्ट्स का मतलब है कि हमने सारी चीज़ें जो भी हमने पहले डिस्कस किया है, सारे किस्से लगा के देख लिए, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो हम बाय पार्ट्स, अगर उन्हें कुछ हमें पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, दो या तीन या एक, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो अल्टीमेटली वी विल डू इट बाय पार्ट्स। तो पार्ट्स में कह रहा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं इंटीग्रल में, तो उनमें से फर्स्ट किसे मानेंगे, सेकंड किसे मानेंगे। बाय पार्ट्स का मतलब हम दो पार्ट की तरह देखेंगे उसको, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। और इसमें हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये वैसे ही बोला जाता है, इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड डीएक्स। तो फर्स्ट किसे माना, सेकंड किसे माना, ऐसे नहीं कि ऐसे चूज कर लिया, फर्स्ट इसे ले लिया, सेकंड इसे ले लिया, नो। इट विल बी फॉलोइंग दिस रूल। रूल का ही पर्पस है, बिकॉज हम फर्स्ट उसे लेते हैं इसका डिफरेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हम तो चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाए। वी डोंट वांट टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने ये आईलेट रूल यूज़ किया है। आईलेट रूल में फर्स्ट वैल्यू, अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं और ये फंक्शन का कुछ ऑर्डर दिया हुआ है हमने, ये है आई का मतलब इनवर्स फंक्शंस, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई एक्सपोनेंशियल। तो अगर दो फंक्शन मिलते हैं और अगर वो सेम कैलिबर के हैं, अगर दोनों लॉगरिथमिक है, तो यू कैन टेक एनी वन एज फर्स्ट और सेकेंड। अगर दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो हम ये आईलेट टू लगाएंगे। लेट अस से मेरे क्वेश्चन में ए आ रहा है, अरिथमेटिक एलजेब्रिक आ रहा है, और मेरे में आ रहा है एक्सपोनेंशियल। तो जो अरिथमेटिक एलजेब्रिक वाला होगा, सॉरी, उसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल को लेंगे सेकेंड। और ये थोड़ा क्लियर होगा जब अभी हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे कि इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स। तो इसमें से फर्स्ट किसे मानेंगे, सेकंड किसे मानेंगे। पहली बात तो ये बाय पार्ट्स होगा, ये हमें एनालाइज करना आना चाहिए। बिकॉज इसमें हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस लगाएंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस का केस है ही नहीं, ना ही हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अभी एट दिस पॉइंट। तो हम क्या करेंगे कि इसे बाय पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो भाई पार्ट्स करने के लिए फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। तो फर्स्ट तो एलजेब्रिक होगा, क्योंकि एक्स तो एलजेब्रिक है, और साइन एक्स क्या है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो ए और टी हमने देख लिया, तो फर्स्ट किसे मानेंगे, एलजेब्रिक, सेकंड मानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एलजेब्रिक है। तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड, तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड, सेकेंड क्या है, साइन एक्स है। तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो एक्स था, एक्स का डिफरेंशियल तो वन ही आएगा। इंटीग्रल सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रल तो माइनस कॉस एक्स आएगा डी एक्स। अब माइनस माइनस आ रहा है, तो इसको दोनों को हमने क्या कर लिया, रियलाइज कर लिया। तो एक कॉस एक्स आ गया इंटीग्रल के अंदर, एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का। क्या यूज़ किया है, एक फॉर्मूला यूज़ किया है, फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स साइन थ्री एक्स। देखते ही मालूम पड़ गया कि ये तो हमारे पास बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट को फर्स्ट लेंगे, किसको सेकेंड लेंगे। तो फर्स्ट किसे लेंगे, ये तो हमारे पास कैसा है, एलजेब्रिक, और ये सेकेंड पार्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ठीक है, फर्स्ट हम एलजेब्रिक को लेंगे, सेकेंड हम ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे ड्यू टू आईलेट रूल। तो बस फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड, तो ये फर्स्ट था, फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड। साइन थ्री एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री। माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड। तो साइन थ्री एक्स का इंटीग्रल तो माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री होगा। तो जो माइनस और माइनस जनरेट हुआ, अल्टीमेटली इट बिकेम प्लस, ठीक है। तो ये प्लस ऐसे आया। अब बस फिर इंटीग्रल के अंदर कॉस थ्री एक्स आ गया, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रल तो साइन थ्री एक्स बाय थ्री आएगा। तो यहाँ लिख दिया, प्लस सी आ जाएगा आंसर में। तो हम आंसर देख रहे हैं, ये आंसर तो आ गया माइनस वन बाय थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस वन बाय नाइन साइन थ्री एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में अगेन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट
एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। तो हमने देख लिया तो दो पार्ट्स हैं, अब किस पार्ट को फर्स्ट माने किसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास एलजेब्रिक है, ये है एक्सपोनेंशियल, तो हमारे आईलेट रूल में क्या आएगा, आई एल ए टी ई, आईलेट रूल में ए इज़ फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल इज सेकंड, सो वी विल बी टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर्मूला यूज़ किया, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल सेकंड डी एक्स। तो ठीक है, फर्स्ट में तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स ही आएगा, माइनस इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, टू एक्स आ जाएगा, इंटू इंटीग्रल ई एक्स लिखा हुआ है तो ये तो ई एक्स हो जाएगा, फिर डी एक्स लगा दिया तो ये टू एक्स ई एक्स आ गया। टू को हम इस इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, सो टू इज टेकन आउट, अगेन वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। अब ये भी हमारे पास एक एलजेब्रिक है, ये तो एक्सपोनेंशियल है, तो फर्स्ट किसे मानेंगे, एक्स को मानेंगे, और सेकंड किसे मानेंगे, ई टू द पावर एक्स को मानेंगे, और इसमें हम दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ठीक, तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया, तो अगेन यहाँ ये हमने क्या किया, इसको दोबारा सॉल्व किया, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशियल तो वन ही होता है, इंटीग्रल सेकंड डीएक्स। अब ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल तो ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, उसे हम रिजॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ट्वाइस एक्स ई एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब इस सब में हम देख रहे हैं ई एक्स कॉमन आ रहा है, ई एक्स कॉमन आया, ई एक्स कॉमन आया, ई एक्स को बाहर ले लिया, प्लस सी, दिस इज द आंसर। आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स लॉग एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स, अब ये तो फर्स्ट और सेकेंड किसे मानेंगे, अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, हम तो आईलेट रूल यूज़ करेंगे, आईलेट रूल में ये तो लॉगरिथमिक है, ये एलजेब्रिक है, तो एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, तो एल इज़ फर्स्ट, तो फर्स्ट ये हो गया और सेकेंड ये हो गया। तो ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड डी एक्स, एक्स इंटू एक्स का, ये तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग एक्स इंटू, ये लॉग एक्स है, सॉरी ये है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस इंटीग्रल साइन डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, वन बाय एक्स, इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, अब ये कितना बच गया, ये अंदर बच गया एक्स बाय टू, तो एक्स बाय टू का मतलब इसे लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स, तो बस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर लिया, आंसर में हमने सब चीज़ों को ऐड कर दिया, वी हैव गॉट द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है हमारे पास, ये तो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू लॉग टू एक्स। अब इसे इंटीग्रल करना है, दोबारा से बाय पार्ट्स दिख रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर नहीं सकते, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लग नहीं सकता। तो फर्स्ट किसे मानेंगे, अगेन हम आईलेट रूल यूज़ करेंगे, वी विल बी यूजिंग आर आईलेट। आईलेट में फर्स्ट कौन सा, अब इसमें एक तो लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक है, और एक है हमारे पास एलजेब्रिक, तो लॉगरिथमिक वाला पहला आएगा और एलजेब्रिक आएगा सेकंड। तो ठीक है, लॉगरिथमिक आ गया फर्स्ट और एलजेब्रिक आ गया सेकंड। फॉर्मूला यूज़ कर दिया, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड डीएक्स। तो लॉग टू एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस लॉग टू एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, वन बाय टू एक्स इंटू टू एक्स का डिफरेंशियल टू, चेन रूल हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये अल्टीमेटली टर्म क्या बच गया, टू से टू कैंसिल हुआ, हाफ ऑफ एक्स, अगेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये एक्स स्क्वायर बाय टू यहाँ पे जनरेट हो चुका है, एंड वी हैव गॉट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग टू एक्स विद लॉग मॉड्यूलस ऑफ टू एक्स लिखा हुआ है, तो मॉड्यूलस का मतलब है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे मॉड लगाया। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर जनरेट हो रहा होता है, डेफिनेटली वो खुद ही पॉजिटिव हो जाता, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे टू एक्स वी नेवर नो कि विच वैल्यू विल इट गिव बैक, तो हमने इसको मॉड्यूलस में क्लोज कर दिया।
ओके सिक्स क्वेश्चन, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ना तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान के काम चलेगा, ना ही हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का कोई स्कोप है, तो वी आर गोइंग फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब पार्ट से हम किसे फर्स्ट मानेंगे किसे सेकेंड मानेंगे, अप्लाइंग आर आइलेट रूल। तो आइलेट रूल में हम देख रहे हैं एक तो लॉगरिथमिक है और एक है अलजेब्रिक, सो लॉगरिथमिक विल बी फर्स्ट वन और सेकेंड क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो बस फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड माइनस इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड। इस फॉर्मूले में हमने सिर्फ ऐसे चीज़ों को पुट कर दिया है, अब इसको एलेबोरेट कर लेंगे, याद करने के लिए किया है ऐसा। तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, लो एक्स का डिफरेंशियल क्या हुआ वन बाई एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हुआ एक्स क्यूब बाई थ्री, एक एक्स से एक एक्स गया तो ये तो एक्स स्क्वायर बाई थ्री बच गया, एक्स स्क्वायर बाय थ्री बच गया, ठीक है। मतलब इसे हम बोल रहे हैं वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर। अब दोबारा से हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसमें से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, तो एक्स क्यूब बाय थ्री इधर आ चुका है। अब टर्म्स को ओपन करके लिख दिया तो वन बाय थ्री को हमने आगे लिख लिया, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स ये फर्स्ट टर्म हो गई, माइनस वन बाय नाइन एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज द रिजल्ट टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनमें से फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है और हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और हमने आइलेट रूल हमने यूज़ किया, तो ये तो इन्वर्स पहले आ रहा है तो हम फर्स्ट किसे लेंगे। अच्छा पहला चीज़ तो ये कि हम इसे फर्स्ट ले सकते हैं इसे सेकेंड ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या, येस वी कैन सब्स्टिट्यूट, जैसा आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा था, क्योंकि साइन इन्वर्स देखा तो इसका मतलब एक्स को साइन थीटा वाली फॉर्म लेनी चाहिए जिससे हम यहाँ पे थीटा जनरेट कर पाएँ। तो हमने पहला काम यही कर लिया कि एक्स को पहले हमने साइन थीटा रखवा दिया, हो सकता है बाई पार्ट्स में कहीं हमें हेल्प करें, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डी एक्स क्या हो गया कॉस थीटा डी थीटा, तो डी एक्स को हम को रिप्लेस कर देंगे कॉस थीटा डी थीटा से। ओके एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स की जगह हमने साइन थीटा रख दिया, साइन इन्वर्स एक्स कितना हो जाएगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, राइट। तो एक तो ये चीज, तो साइन इन्वर्स एक्स यहां पे लिखा हुआ है साइन इन्वर्स एक्स, दैट मीन्स साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वैल्यू तो थीटा आ जाएगी, तो थीटा हमने यहां पे लिख दिया। और फिर आया डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू क्या है कॉस थीटा डी थीटा, करेक्ट। तो साइन इन्वर्स साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा आना चाहिए, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये थीटा है, ठीक है, इंटू डी एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया कॉस थीटा डी थीटा। तो अब हमारे पास अभी अंदर हमें साइन थीटा भी दिख रहा है कॉस थीटा भी दिख रहा है, तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू कर दें तो हम यहाँ पे साइन टू थीटा जनरेट करा पाएंगे। तो हमने वही किया है, हाफ हम बाहर ले गए, यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म था, हमारे पास यहाँ पे था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमने वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो यहाँ से हमें टर्म मिल गया हाफ साइन टू थीटा, वही टर्म यहाँ पे आ गया और थीटा यहाँ पे पहले से आ गया। अब हम यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, तो हमने अब बाय पार्ट्स लगाया, तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड डी थीटा, तो थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टू थीटा तो कितना आ गया माइनस हाफ कॉस टू थीटा प्लस डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा, तो हमारे पास वन आ गया। साइन टू थीटा का डिफरेंशियल इंटीग्रल क्या आया कॉस टू थीटा बाय टू, तो इसको अब हमने एलेबोरेट कर लिया, एलेबोरेट करके हमने अपनी वैल्यूज को लिख दिया, ये क्योंकि इंटीग्रल ऑफ कॉस टू थीटा आ रहा है अंदर, तो अगेन इंटीग्रल कितना होता है कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा बाय टू, तो साइन टू थीटा बाय टू हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो गया, हमने इधर लिख दिया, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है दोनों में से हमने उसे बाहर ले लिया, वन बाय फोर बाहर आ गया, और यहाँ पर ये जो हमारा आंसर आया ये आंसर तो थीटा में आ गया, बट थीटा तो हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, क्या दे रखा था एक्स दिया हुआ था, तो थीटा को हमने फिर रिप्लेस कर दिया किससे साइन इनवर्स एक्स से, राइट। और कॉस टू थीटा को भी फिर हमने क्या किया इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिख दिया, तो वो सारी टर्म्स हमें यहाँ पे मिल रही हैं।
क्योंकि अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू एक्स मिल गया, आप देखो ऐसे भी जनरेट कर सकते हो, हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमें थीटा मिला हुआ है और इस थीटा से हमें दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। तो ये वैल्यू एक्स दे रखा है, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या हुआ? एक्स, और ये हुआ वन। तो हमें यहाँ पे ये थर्ड पार्ट जो है वो निकल सकता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब वन प्लस ये थर्ड पार्ट मान लेटर से वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस लेटर से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया? वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई का वैल्यू क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हमें साइन थीटा पता है तो हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। हम कॉस टू थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस टू थीटा हमें पता है कितना होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली कहीं पे भी अगर आपके पास कोई साइन थीटा आपको मिल गया है, आपको कॉस थीटा टेन थीटा निकालना है, तो आप इस ट्राइंगल का यूज़ करें, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो। हमारा आंसर इधर आ गया, बिकॉज हमने सबको क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो जो भी हमने किया वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। हमें एक्स तो टेन थीटा दिखना चाहिए, तभी हम इसको थीटा कर पाएंगे टर्म को। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, नहीं किया, तो दो तरीके आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कि अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, रिप्लेस नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसको हम कैसे कर सकते थे? इसको हम एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते तो ये भी एक प्रोसीजर था, इट वॉज प्रोसेस वन, जो हम क्वेश्चन 7 में कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसको क्या किया, रिप्लेस नहीं किया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस टू। तो क्वेश्चन 7 एंड 8 गोज फॉर प्रोसेस वन प्रोसेस टू, जो आपको प्रोसेस करना है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट किसे माना हमने? हमारे पास तो यहाँ पे आई ले टू लगाएंगे, ILATE, इसमें एलजेब्रिक भी है दैट इज एक्स, इसमें इन्वर्स भी है, तो इन्वर्स वाला फर्स्ट आ जाएगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया। तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड dx। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। अब इंटीग्रल के साइन के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने लिख दिया इसको, टू को हम बाहर लिखेगा चले गए, कॉन्स्टेंट है तो टू बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा काम किया कि हमने इसको प्लस वन माइनस वन कर दिया ऊपर, जिससे कि हमारे पास एक टर्म तो वन बन जाए और दूसरी टर्म में हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा पाएं। तो ये आ गया हमारे पास वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म था, इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो लिख दिया इधर। तो अब हम सारी टर्म्स को अलग अलग देख सकते हैं। तो पहला इंटीग्रल तो ये आ गया, इट इज़ रिटन लाइक दिस ओनली। सेकंड में माइनस हाफ अलग हो जाएगा विद इंटीग्रल ऑफ वन, तो वो तो एक्स आ जाएगा। फिर क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, और हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब हम चीज़ों को क्लब करना है तो हम क्लब कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने यहाँ तक आंसर निकाला है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये तो टेन इनवर्स एक्स वाली कुछ वैल्यूज़ हैं, हम उनको एक साथ लेके आ गए, तो हमने वही किया, वी हैव टेकन देम टुगेदर, और यहाँ से वी हैव गॉट द आंसर, राइट। तो दो अप्रोच आपके पास हैं, अगर आपको इनवर्स भी दिखा और एलजेब्रिक भी दिखा, तो एक तो अप्रोच है कि हम इस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएं, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हम यहाँ पे यूज़ कर लें, तो भी हमारा काम चल जाएगा। आप देखेंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस हमारा जो ये कांस्टेंट है यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अगेन ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, तो चाहे आप इसमें फर्स्ट पार्ट प्रोसेस लगाएं चाहे सेकेंड प्रोसेस लगाएं, अगेन एक्स को कॉस थीटा मान सकते हैं। तो हमने एक्स को कॉस थीटा मान लिया, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो बस एक्स की जगह तो कॉस थीटा आपने लिख दिया,
एंड कॉस इनवर्स कॉस थीटा को आपने थीटा लिख दिया, डी एक्स की जगह लिख दिया आपने साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, और माइनस के साइन को हम बाहर ले गए। अब ये हमें दिख रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसमें हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमने क्या किया, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाने की कोशिश की, बिकॉज यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो एक टर्म हमारे पास थीटा आ गया, एक साइन 2 थीटा आ गया, ये है हमारे पास एलजेब्रिक, और साइन 2 थीटा है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक। किसको फर्स्ट माने किसको सेकेंड माने, तो थीटा विल बी टेकन एज फर्स्ट एंड साइन 2 थीटा विल बी टेकन एज सेकेंड। तो बस फिर हमने अपना रूल स्टार्ट किया, यहाँ पे माइनस हाफ बाहर कॉमन आ रहा है तो माइनस हाफ को हमने बाहर ले लिया, और अब बस सॉल्व करते हुए जाएंगे, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड। तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी थीटा, तो थीटा इंटू साइन टू थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस टू थीटा बाई टू माइनस साइन के साथ। फिर साइन टू थीटा का डिफरेंट इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल ऑफ साइन टू थीटा लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे पूरे का इंटीग्रल है, तो डी थीटा बाई डी वन हो गया, और इंटीग्रल ऑफ साइन टू थीटा कितना आ गया, ये तो आ गया माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया तो प्लस यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इंटीग्रल ऑफ कॉस टू थीटा कितना होता है, माइनस साइन टू थीटा बाई टू, तो हमने यहाँ पे इसको जनरेट करा लिया, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया, ये तो हमारे पास कॉस टू थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन टू थीटा बाई टू, साइन टू थीटा बाई टू। तो हमारे पास बाहर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फर्स्ट टर्म आ गई पॉजिटिव, फिर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव टर्म आ गया नेगेटिव, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अब इसको अब मैनिपुलेट कर रहे हैं, नथिंग एल्स, मैनिपुलेशन चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो 1/4 कॉस टू थीटा एज इट इज लिख दिया, फिर -1/8, 4 × 2 तो 8 होता है, फिर साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक कर दिया। अगर आप क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करके छोड़ते हो सो इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, नो मार्क्स कैन बी कट, कोई मार्क्स कट नहीं करेगा। और अल्टीमेटली हमें कोशिश क्या कर रहे हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, तो हम बेसिकली उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में आपको मैच करने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज आपके आंसर नहीं होगा। अल्टीमेटली जब बुक आपके पास होती है तो आप मैच करते हो चीज़ों को, ये आपको प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे प्रूव करने वाली चीज़ कोई है नहीं, आपने सारे यहाँ पे अपनी प्रोसेस लगा दिया है, तो योर प्रोसेस इज परफेक्ट, ये आंसर आपका सही जाएगा। अदरवाइज फिर हम क्या कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, कॉस टू थीटा में फिर हमने आइडेंटिटी लगा दिया, 2 cos² θ - 1, 2 sin θ cos θ को हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया साइन टू थीटा, और साइन टू थीटा को हमने फिर चेंज कर दिया, तो यहाँ से हमें मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 1 - x² इंटू कॉस थीटा प्लस सी। तो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कॉस थीटा को हमने कुछ माना था, यहाँ पे कॉस थीटा को हमने माना था एक्स, तो ठीक है, हमने कॉस थीटा को एक्स माना था, इधर 2x² - 1 हो गया इधर, फिर -1/4 अंडर रूट ऑफ 1 - cos² θ। तो 1 - cos² θ का मतलब क्या हुआ, ये तो 1 - x² हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 - x². तो ये टर्म हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, ये टर्म हमें इधर मिल जाएगी, इंटू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा तो एक्स है, तो ये टर्म हमें हमारे पास इधर मिल गया। तो ये जो टर्म है फर्स्ट, ये टर्म इधर आ गया, सेकंड टर्म इधर मिल गया, प्लस सी लिख दिया आंसर। तो अल्टीमेटली या तो आप इधर आ जाए आंसर को सॉल्व करते हुए, या आप आंसर को इधर भी छोड़ते हैं, इट इज़ करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी आर